लेकिन ये वो हमारे अदारे हैं जिन्होंने कराची में, जहां भरपूर सपोर्ट थी राह के, जहां हज़ारों आदमी कत्ल हुए, जहां मीडिया यरगमाल था, उसे निमटा दिया ना। बलोचिस्तान में अलहदगी की तहरीक को निमटा दिया, कभी वहां झंडा नहीं लहरा सकता था और वो भत्ता वसूल करते थे डेरा बख्ती और दूसरे इलाकों में, कबायली इलाके में निमटा दिया। ये बड़े नादान लोग हैं, नहीं ये बात समझनी चाहिए थी कि ये ऐसा नहीं कर सकते। और एक अफगानिस्तान के मामले, वहाँ जाते हैं खुल्लम खुल्ला और ये कहते हैं कि हम वो, उन्होंने कोट भी किया कि हम फौज को लिटा देंगे। इस फौज को कौन लिटा सकता है? इंडिया तो इसे नहीं लिटा सका। ये एक और फौज है, ये एक और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। ये 2002 से अब तक एक वार हार्डन्ड अदारा है, जिसे दुनिया का बेहतरीन अदारा बाज एतबार से कहा जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि मज़ामत तो वो करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि इन्होंने तो सिर्फ बात की राह की और एनडीएस की। हकीकत यह है कि इसमें CIA शामिल है। CIA के अमेरिकी फौज के रिटायर्ड अफसर सोशल मीडिया पे इनकी सपोर्ट करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी एक सर्वे करने की कोशिश की जो नाकाम रहा, जिसमें अक्सरियत ने कहा कि फौज का फैसला दुरुस्त है, यानी बल्कि रियासत का कहना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इनके एहतसाब का वक्त आ पहुंचा है। अगर ये अपने आप को बदलते हैं तो ठीक है, वरना इनका अंजाम वही होगा जो अल्ताफ हुसैन का हो। सही, आपको लगता है लाली साहब कि ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी हुकूमत और हमारी फौज मिलकर यूज करने की कोशिश कर रही है? एक तरफ से नर्म है, एक तरफ से सख्त रवैया है। इसमें भी आप मुझे बताएं, आपने कभी सोचा कि आप टेलीविजन पे एक जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी खड़े होकर कह रहा है पूरे कौम को कि इन लोगों के साथ जिनके साथ उसकी गुफ्तगू हुई है, जिसके साथ ना सिर्फ उसकी गुफ्तगू हुई है मगर एक जर्नलिस्ट जो है हामिद मीर साहब, वो कह रहे हैं कि इन लोगों को टीवी पे आके लोगों के सामने अपने मौका देना है। एक और साहब वो कह रहे हैं कि इनको अपनी बात करने दें। एक और पॉलिटिकल लीडर, चेयरमैन ऑफ द पार्टी PPP का, वो कह रहे हैं उनको कि आप मेहरबानी से इनकी बात सुने, इनकी बातें सुनना चाहिए। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके कहते हैं मैं कह रहा था, ये जो कह रहे थे मैं भी कह रहा था। मगर अब देखिए, आई वॉन्ट टू नो कि आपको इन लोगों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, नैप वो ड्रॉ से पैसे ले रहे हैं, NDS से पैसे ले रहे हैं, कॉन्सुलेट जा रहे हैं और साजिश कर रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट पाकिस्तान के खिलाफ, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे डील करना चाहते हैं, आप कहते हैं इनको सुनो। माई गॉड, आपने कुछ सीखा ही नहीं है। मैं तो कहता हूं आपने कुछ नहीं सीखा मुजीबुर रहमान से। मुजीबुर रहमान 1962 में इंदिरा गांधी को मिलने गया हिंदुस्तान, हमें पता था, कुछ नहीं किया, उसके बाद जाता रहा और आखिर आपने नतीजा देखा। देखिए, मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि ऐसे गद्दार को, और ये कौन है ये जो लाल टोपी वाले हैं जो आप और मैं देखते हैं, ये लाल टोपी क्या है? एक आदमी आज मुझे फोन करके कहा है कि ये सर वो लोग हैं जो ताजिक्स भी हैं इनमें, उज्बेक्स भी हैं, पश्तूनस भी हैं, ये सब अफगान हैं, ये गैर इलीगली इन्होंने कार्ड्स हासिल किए हैं और ये सब TTP के सपोर्टर्स हैं। तो अगर हमें पता है इनको पैसे कितना मिलता है, अगर हमें ये पता है कि रॉ से पैसे लेते हैं और NDS से लेते हैं, इंडियन से मिलते हैं, तो मेहरबानी से TTP के सपोर्टर्स के साथ आप बात करना चाहते हैं? आई एम सॉरी, ये किस किस्म का एकोमोडेशन और ये हो रहा है कि ऐसे लोगों को एक जनरल उठ के कह रहा है कि ये रॉ से पैसे लेते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना ये जो बात कह रहे हैं सच बात कह रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, डू यू? आप समझती हैं ये कैसे? हाउ डू यू रेकंसाइल दिस? सही सही, लेकिन ये तो कहते हैं हारून साहब के हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी आर्मी हो या हमारी हुकूमत हो, ये तो एक पेज पर हैं। इस मामले में दोनों अलग अलग क्यों, सोच समझ के हो रहा है सब कुछ? देखिए, एक पेज पे होते हुए भी अप्रोच का इख्तलाफ होता है। इमरान खान साहब तालिबान के मामले में भी गलत फहमी का शिकार है। किस हवाले से? उन्होंने कहा नहीं था यहाँ दफ्तर खोले उनका एक जमाने में, वो रफ्तार रफ्तार क्लैरिटी उनमें आई। जाहिर है कि वो सिविलियंस के पास उतनी मालूमात नहीं थी, अंदाज़े फिक्र का भी फर्क है, अप्रोच की भी बात है। ये जो गद्दारों के साथ, जैसे हिलाली साहब ने फरमाया, आप देखिए बाज़ औक़ात ढील दे सकते हैं,
कितनी मगर कितनी, जहाँ तक उनके मुतालबात हैं जो दुरुस्त हों वो आप मान लें, वो उनके मुतालबात नहीं, उस इलाके के लोगों के मुतालबात हैं। ज़राअत नहीं है, सनत नहीं है, जॉब्स नहीं। 51 के बाद कबायली इलाका कभी पाकिस्तान में शामिल, लियाकत अली खान आखिरी आदमी थे जो इस बात को समझते थे। उसके बाद तो एडहॉक अरेंजमेंट होता रहा ना। देखिए, सिर्फ मामला इसका नहीं है, आपने गौर किया कि बिल्कुल वाज़ेह इशारा दिया है जनरल आसिफ गफूर ने इंडिया को कि नॉर्थ और साउथ की तरफ भी देखें, हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक आपको रसाई देने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि कश्मीर पे संजीदगी के साथ बात करें, इस मसले को हल करें और इस मुगालते में अपनी फौजी बर्तरी के जोन में न रहें। हमने आपको दिखा दिया, आपने एक जगह पे हमला किया वो भी नुमाइशी, हमने चार जगह पे किया जहां पे एक जगह पे आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद था और दिन की रोशनी में किया। वो देखिए जो दुनिया में तब्दीली आ रही है इस खत्ते में, अमेरिका और चीन का अपनी जगह जो तसादम है और ग्वादर बंदरगाह के जो असरात होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान पे अभी बहुत दबाव आएगा। आज जुल्म खलीलजाद किस लिए यहाँ आए हुए हैं, और वो वेल क्या नाम है उनका, एलिस वेल, वो किस लिए आए हुए हैं? पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। अगर इस खत्ते में अमन चाहिए, अगर अमरीकियों को वापस जाना है, वो यकीनन वापस जाना चाहते हैं, अगला इलेक्शन लड़ना है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान से बात करनी होगी। नई रियलिटीज़ पैदा हो चुकी हैं, उन्हें इंडिया को भी उसका इदराक करना होगा, अमेरिका को भी उसका इदराक, ऑफकोर्स हमें भी करना होगा, हमें भी सोच समझ कर चलना। सही आपने कहा, अफगानिस्तान में ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, मगर हिलाली साहब, अफगानिस्तान और भारत इस बात को समझने के लिए शायद तैयार नहीं है, अमन में खत्ते में अमन चाहते नहीं है, इस चीज़ के दुश्मन है खासतौर पर भारत। जब हम कह रहे हैं कि अमन हो सकता है, इस तरह से अफगानिस्तान को समझना होगा, तो अफगानिस्तान की अपनी गवर्नमेंट इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रही है? देखिए, मैं तो समझता हूँ, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त अम इंडिया को सूट नहीं करता। इंडिया चाहती है कि गनी रहे, अगर गनी रहेगा तो अम तो नहीं आएगा, तो तालिबान उनके खिलाफ, अफगान तालिबान लड़ते रहेंगे, मगर इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। बात असल ये है कि मुझे फिक्र और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अगर भी अमेरिकन इनके साथ डील करके चले जाएं, किसके साथ? अफगान तालिबान के साथ। ठीक है, अफगान तालिबान को पैसे की ज़रूरत है। मैं आपको लिख के देता हूँ, वही लोग जो वाइट हाउस में बैठ के रेगन के साथ चाय पिया, वही लोग जो मुजाहिदीन बन के ह्यूस्टन गए और उधर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ह्यूस्टन उन्होंने लिया, वही लोग सबसे बड़े जिगरी दोस्त बनेंगे अमेरिकनों के। सही। अफगान को पैसे अच्छा लगता है, उसको पैसे की जरूरत है, और वो आप देखेंगे दे विल गो अकॉर्डिंगली। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये वाहिद मुल्क है जो वो कहते हैं लंडी कोटल से लेके इंडस टू अटैक, ये सब हमारा है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ किंग ऑफ अफगानिस्तान, उसने भी ये क्लेम रखा, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसने भी क्लेम रखा, और खलीफ को क्या कहते हैं, अमीर ऑफ अफगानिस्तान, जो वो जो मुल्ला उमर, उसने भी इस क्लेम को रखा। इसके अलावा और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी पोजिशन में, मगर ये क्यों क्लेम करते हैं आधा पाकिस्तान, और हम क्या करते हैं, धड़ाधड़ इनको दे रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस आदमी का फ़ोन नंबर है, उसका आदमी का नाम मैं बताता हूँ टेलीविजन पे, उसका नाम है दुरानी। मैंने कहा शायद आपको मैं फ़ोन करके पूछूं, जो आपने कहा है कि ये लाल टोपी वाले हैं, ये लाल टोपी, इनका सिग्निफिकेंट ये है कि वो इलीगली इधर एक्वायर किए नेशनैलिटी और TTP को वो मदद करते हैं। आई डोंट नो व्हाट वी आर प्लेइंग एट। सही है, कुलभूषण यादव से मुतालिक में बात करेंगे हारून साहब। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी तो हो गई थी, सोचा जा रहा था शायद वो नेट पर खत्म हो गया, अब समझते हैं कि वो नेट पर खत्म हो गया, भारत अभी भी इस चीज के ऊपर पुष्तनाही कर रहा है पीटीएम को लेके खास तौर पे। नहीं, वो नेटवर्क देखिए खत्म इस तरह तो नहीं होते ना, बहुत कमजोर तो यकीनन हो गया होगा। एक बात को अच्छी तरह समझनी चाहिए, अफगानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है मेरे ख्याल में। ठीक, और इंडिया कुछ भी कर ले, इंडिया के एक अफगानिस्तान के पूरे पहाड़ी सिलसिले का नाम कोह हिंदूकुश है, 1000 बरस की हमारी उनके मुश्तरक तारीख है, ये साजिशें सारी अपनी जगह, लेकिन अब अफगानिस्तान से वो ये चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अशरफ गनी की कोई हैसियत नहीं है। अशरफ गनी की कोई हैसियत होती तो अमरीका बराह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात न करता। और मैं ये भी समझता हूँ कि अमरीकी अगर कुछ ज़रा सी भी होशमंदी है तो इसको इस तरह छोड़ के नहीं जाएंगे कि ये यहाँ फिर खाने जंगी होती रहे। उसका कुलभूषण यादव का
नेटवर्क जो है वो कमजोर हुआ है, उससे बहुत सी मालूमात मिली हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं। ईरानी हुकूमत बिल्कुल दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं उनकी अपनी ख्वाहिश है, वहां बाड़ लगाने का हमने प्रोग्राम बनाया है, उनका वो अपने मुल्क को स्टेबल रखना चाहते हैं, लिहाजा मैं अच्छे इम्कान देखता हूँ। ठीक है, किस तक अच्छे इम्कान है, लास्ट वन मिनट देन हम ब्रेक की तरफ। मेरे ख्याल में कि ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे हैं, इमरान खान का विजिट बड़ा सक्सेसफुल था और बड़ा ठीक तरीके से उसने उनको अप्रोच किया और उन्होंने कहा, बिल्कुल वो मान गया और सच माना, सच कहा कि हमारे टेरिटरी से ईरान के खिलाफ अटैक्स हुए हैं और उन्होंने भी माना, उन्होंने हमारी तरफ से भी अटैक्स होते रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे तरफ से एज कैटेगोरिकली, मगर माना उन्होंने, इसलिए तो जॉइंट पेट्रोलिंग होगी है, वो फेंसिंग कुछ हो रही है, डिचेस कुछ बन रहे हैं, बड़ा फर्क पड़ा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विजिट। नहीं, हमारी जमीन इस्तेमाल तो होती ना, अब्दुल मलिक रेगी को हमने उनके हवाले किया था ना जी। Correct, exactly. वो तो देखिए वीरान इलाका है जिसे सब जानते हैं कौन इस्तेमाल करने की कोशिश करता था, सिर्फ रा और एनडीएस नहीं, और दुनिया की एजेंसियां भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं, खा हमें कितनी मुसीबत उठानी पड़े कि हम अपनी सरहदों को महफूज बनाएं।